सो आज है मेरे पास सैमसंग का A51 और है Realme का X2। तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या हमें परफॉर्मेंस देखने मिलती है। सो यहाँ पर A51 जो हमें फोन देखने मिलता है वो आपको देखने मिल जाएगा 24,000 रुपीज के अंदर। Exynos का 9611 का प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने मिलता है, 6GB की रैम हमें यहाँ पर देखने मिलेगी और वही Realme X2 हमें देखने मिलता है 730G के प्रोसेसर के साथ, 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन दोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से जहां पर इसका फास्ट हमें देखने मिलता है। सो कुछ रिजल्ट आपको यहां पर देखने मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर Realme X2 थोड़ा सा फास्टर आपको देखने मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में। ये अभी भी थोड़ा सा स्लो देखने मिला है Samsung A51। सो यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं, Realme X2 के अंदर आपको मच बेटर स्कोर देखने मिल जाते हैं, 2,14,328 का स्कोर आता है। और वहीं Samsung के A51 के अंदर हमें Exynos का जो प्रोसेसर आता है उसके हिसाब से जो रैंकिंग देखने मिल रही है, यानी कि जो स्कोर देखने मिल रहा है 1,84,402 हमें यहाँ पर स्कोर देखने मिल जाते हैं। सो वहीं अगर हम Geekbench 5 की स्कोर की बात करें, सो 546 का सिंगल स्कोर हमें देखने मिल जाता है और वहीं 345 का सिंगल स्कोर आता है Samsung A51 के अंदर। और यहाँ पर मल्टी कोर में भी विन करता है Realme X2। तो कुछ यहाँ पर आप 24,000 रुपीस देख रहे हैं और परफॉर्मेंस कुछ आपको इस तरीके से देखने मिल रही है। हालांकि Samsung A51 का डिस्प्ले सच में किलर है, मतलब बहुत ही बेस्ट डिस्प्ले देखने मिलता है, एमोलेड स्क्रीन मतलब बहुत ही जान है इसके अंदर। और वहीं हमें इसके अंदर थोड़ा सा डल देखने मिलता है कंपेयर टू A51 से। सो अभी हम वाईफाई स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके के हमें यहाँ पर अभी रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। तीन बार हमने यहाँ पर वाईफाई स्पीड टेस्ट को टेस्ट किया था और यहाँ पर जो ओवरऑल जो विनर निकल कर आता है मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मच बेटर है Realme का X2, थोड़ा सा ही मच बेटर है, लेकिन इसमें अपलोडिंग की स्पीड देखें ज़्यादा बेस्ट बेटर देखने मिलती है कंपेयर टू A51 से। सो अभी यहाँ पर हम जाएंगे मेन स्क्रीन पर और बैकग्राउंड में अभी जितने भी एप्लीकेशन है सबको हम रिमूव कर देते हैं और बैकग्राउंड में अभी कोई भी हमें एप्लीकेशन देखने नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर हम सिम हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है और कुछ नहीं हमने यहाँ पर रखा है। सो अभी हम पूरा एक लैप कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके की हमें ऐप ओपनिंग की स्पीड टेस्ट देखने मिल जाती है। उसी के बाद में लैब कंप्लीट होने के बाद हम रिवर्स जाएंगे और देखेंगे किस तरीके का रैम मैनेजमेंट हमें देखने मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्विटर से। सो 3, 2, 1 एंड ट्विटर। सो यहाँ पर हम जाते हैं टॉप पोस्ट पर, कोई भी एक इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है एंड मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब हम ओपन करेंगे 3, 2, 1 एंड इंस्टाग्राम। सो थोड़ा सा फास्टर था यहाँ A51 के अंदर। सो नाउ अभी यहाँ पर हम किसी भी एक पोस्ट के अंदर जाएंगे और उसे ओपन कर देंगे। इनमें हम आ चुके हैं इस प्रोफाइल के अंदर। नाउ अभी हम मेन स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं और अभी हम ओपन करेंगे फेसबुक को। सो 3, 2, 1 एंड फेसबुक। Realme का X2 यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी ओपन हो पाया। सो यहाँ पर हम किसी भी एक पोस्ट को ओपन करके छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है। नाउ मेन स्क्रीन पर आने के बाद अभी हम ओपन करते हैं TikTok को। सो 3, 2, 1 एंड TikTok। X2 के अंदर थोड़ा सा जल्दी हुआ। सो अभी हम यहाँ पर कोई भी जाते हैं। सो यहाँ पर अभी हम इसकी प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं बाद में हमें ये रैम मैनेजमेंट में कैसा वर्क करता है। सो यहाँ पर 4GB रैम है, यहाँ पर 6GB रैम हमें देखने मिलती है। सो नाउ अभी हम ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट को। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। सो A51 के अंदर थोड़ा सा जल्दी हो चुका है। सो यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट के अंदर हम जाकर उसे ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ पर ओपन कर लिया इसे। सो हम जाते हैं मेन स्क्रीन पर, अभी हम ओपन करेंगे Amazon को। सो 3, 2, 1 Amazon। A51 में थोड़ा सा जल्दी हो गया ओपन। मेन पेज पर, बाइंग पेज पर आ जाते हैं जहां पर हमें ऐसा कुछ लुक देखने मिलेगा। सो यहां पर थोड़ा सा टाइम लग के आ चुका है। हम मेन स्क्रीन पर चले जाते हैं और अभी ओपन करेंगे हम प्ले स्टोर को। सो 3, 2, 1 एंड प्ले स्टोर। यहां पर थोड़ा सा लेट हुआ, X2 के अंदर थोड़ा सा जल्दी हो गया और किसी भी एक के अंदर हम चले जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रोल करके छोड़ देते हैं। मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड अभी ओपन करेंगे गूगल क्रोम को। सो 3, 2, 1 एंड गूगल क्रोम। सो यहाँ पर आ चुके हैं और किसी भी एक पोस्ट को हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। चलो यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है और कुछ आ गए हैं यहाँ पर। अभी ओपन करेंगे, सीधा हम बैक चले जाएंगे, अभी ओपन करेंगे YouTube को। सो 3, 2, 1 एंड YouTube X2।
सो यहाँ पर ये टॉप पे जो वीडियो चल रही है इसे ही हम छोड़ देते हैं और मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम ओपन करेंगे सबवे सफर को। सो 3, 2, 1 एंड सफर। सो यहाँ पर X2 के अंदर थोड़ा सा जल्दी लोड हो गया कंपेयर टू यहाँ पर इससे अपना A51 से। सो अभी हम आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। सो यहाँ पर अभी हम ओपन करेंगे पबजी को। सो 3, 2, 1 एंड पबजी। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर Realme X2 के अंदर PUBG जल्दी लोड हो चुका है तो और यहाँ पर A51 ने थोड़ा सा टाइम ले लिया। तो यहाँ पर अभी हम मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं और अभी हम ओपन करेंगे KineMaster को। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। सो एक साथ ही किया था लेकिन थोड़ा सा लेट आया था। सो यहाँ पर KineMaster के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जहाँ पर एक बैकग्राउंड हम सब ले लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर हमने सब बैकग्राउंड को ले लिया है और टाइमलाइन हमारी हुई 2 मिनट 5 सेकंड की। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे और अभी से रेंडर करेंगे फुल HD के अंदर 30 FPS के अंदर हाई बिटरेट के साथ एक्सपोर्ट करेंगे और एक साथ यहाँ पर अभी स्किप करेंगे जिसके बाद ये रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें देखने मिलती है Exynos 9611 के अंदर और वहाँ पर Snapdragon 720G के अंदर। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा जल्दी रेंडर निकाल के देगा। तो जिस तरीके से भी देखने जाएंगे तो यहाँ पर Realme का X2 मुझे थोड़ा सा फास्टर लग रहा है। सो यहाँ पर X2 हमारा हो चुका है कंप्लीट और अभी हम सीधा बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर अभी भी बाकी है Exynos 9611 के अंदर रेंडरिंग। अब जाके हमारा रेंडर कंप्लीट हुआ है। मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं और अभी हम ओपन करेंगे कैमरा को। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। यहाँ पे UI थोड़ा सा जल्दी ओपन हो गया। अभी स्विच करते हैं फ्रंट कैमरा पर। दोनों एक साथ ही थे, फिर से करेंगे एक बार। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। ऑलमोस्ट दोनों साथ में थे। सो अभी यहाँ पर हम करते हैं फोटो क्लिक और बाहर आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। उसके बाद अभी हम जाएंगे स्नैपसीड पर। सो यहाँ पर हमने जो अभी फोटो खींची है सेल्फी वाली उसके अंदर हम लगा देंगे फेडेड ग्लो का ऑलरेडी प्री अप्लाइड। यहाँ पर हमें फिल्टर देखने मिलता है। एक्सपोर्ट अभी हम एक साथ करेंगे और देखेंगे कौन सी फोटो हमें जल्दी एक्सपोर्ट करके मिलती है। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। Exynos 9611 यानी कि A51 हमारा हो चुका है रेंडर। तो यहाँ पर पूरा एक लैब कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वापस पूरा रिवर्स जाएंगे, एक एक एप्लीकेशन को चेक करेंगे जो बैकग्राउंड में हमने यहाँ पर देखने मिली, अभी भी वो हमें रैम मैनेजमेंट में किस तरीके से देखने मिलती है। और एक बात ध्यान रखिए, 4GB वाला वेरियंट है मेरे पास X2 का और यहाँ पर 6GB वाला वेरियंट है A51 का। तो अभी हम इसे ओपन करेंगे 3, 2, 1 एंड चलो एक साथ स्टार्ट करते हैं। सो हमें बैकग्राउंड में देखने मिल रहा है, कैमरा भी हमें यहाँ पर स्विच नहीं हुआ है, फ्रंट कैमरा भी हमने छोड़ा था तो यस हमें देखने मिल रहा है। KineMaster पे यहाँ पर एक ऐड थी, यस यहाँ पर दोनों ऐड अभी भी बैकग्राउंड में है। उसके बाद अभी हम PUBG को देखते हैं, बैकग्राउंड में हमें अभी भी देखने मिल रहा है और यहाँ पर ये हो चुका है रीलोड X2 के अंदर। अभी बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद देखते हैं सबवे सफ़र हमें अभी भी बैकग्राउंड में देखने मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर है अभी भी सबवे सफ़र बैकग्राउंड में पर X2 के अंदर क्लियर हो चुका है। उसके बाद अभी YouTube पे हमने एक एक वीडियो प्ले किए थे, जो एड वाला वीडियो था यहाँ पर हमें देखने मिलता है बट X2 के अंदर क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम जा रहे हैं क्रोम के अंदर और क्रोम के अंदर ये आर्टिकल था जो देखने मिलता है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये फिर से रीलोड हुआ है पूरा। पर ठीक है एक बार के लिए, अभी हम जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पर हमने इसे रखा था, यस हमें दोनों के अंदर ही देखने मिल रहा है। अभी हम जा रहे हैं अमेज़ॉन की तरफ। सो अमेज़ॉन पर भी ये पोस्ट हमने रखा था, ये जो भी शॉपिंग था, लेकिन यहाँ पर पेज हैंग हो चुका है कि रीलोड हो गया, पता नहीं क्या अटक चुका है। सो पीछे जाते हैं। सो बैकग्राउंड से ये क्लियर हो चुका है मेन मेन्यू में आने के बाद। अभी हम जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की तरफ और फ्लिपकार्ट पर ये वाला पेज अभी भी है पोको X2 का बट यहाँ पर भी है, थोड़ा सा रीलोड होने के बाद आया। अभी हम जा रहे हैं टिकटॉक पर। तो हमने क्या किया था, प्रोफाइल के पर गए थे, यहाँ पर ये प्रोफाइल थी। सो ये वाली सेम प्रोफाइल रखी थी हमने और एक्चुअली अंदर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हमेशा बाहर ही आता है, जो प्रीवियस वाले वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, पर यहाँ पर क्लियर हो चुका है क्योंकि हमने ये वीडियो नहीं रखा था। तो बाहर आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं फेसबुक की तरफ, ये पोस्ट है और यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद आ गया है, लेकिन A51 के अंदर बिना रिफ्रेश के आराम से मस्त में अभी भी चल रहा है।
इंस्टाग्राम पे इस प्रोफाइल के अंदर थे हम, सॉरी इधर थे हम, और यहाँ पर भी थोड़े से लोड के बाद में आ चुका है। एंड नाउ लास्ट ट्विटर, हमने एक इमेज ओपन करके रखी थी दोनों के अंदर, और ये थोड़ा सा लेट होने के बाद अब खुला है, पर इमेज आपको बैकग्राउंड में अभी भी देखने मिलती है। तो सैमसंग A51 के अंदर जो रैम मैनेजमेंट है, जो बैकग्राउंड में इतने सारे एप्लीकेशंस है, वो सारों को रखने की पूरी तरह से अच्छे से कोशिश कर रहा था और सब उसने रख लिए, बट X2 के अंदर थोड़ा सा पंगा हमें देखने मिला। सो यहाँ पर अभी हम फोन को रिबूट करके देखेंगे और देखते हैं कौन सा जल्दी रिबूट होता है। सो 3, 2, 1 एंड क्लिक। तो यहाँ पर X2 हो चुका है रिबूट, और यहाँ पर हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं, प्रॉपरली हो चुका है, पर सैमसंग का A51 अभी भी रिबूट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और ये फाइनली हो चुका है रिबूट, और स्क्रीन लॉक डालने के बाद फोन हमारा प्रिपेयर हो रहा है फिलहाल, और स्टिल प्रिपेयर हो रहा है, और प्रिपेयर ऑलमोस्ट हो चुका है। सो मैं मेन्यू में जा सकता हूँ कि नहीं? यस, अभी भी नहीं, मेन्यू में ऐप्स नहीं दिख रहे, अब जाके हुआ है फोन हमारा स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको देखने मिलता है सैमसंग A51 वर्सेस रियलमी का X2 का हमने यहाँ पर किया स्पीड टेस्ट। तो किस तरीके की परफॉर्मेंस लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो यहाँ पर सैमसंग A51 के साथ एक और वीडियो आने वाला है, जो रेडमी नोट 8 प्रो के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, उस वीडियो के लिए बने रहना। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा तो वीडियो के दिए हुए लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट करना, और फ्यूचर में और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल टेकी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्यूचर में आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलते रहेंगे। सो दोस्तों आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।